फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है संडे और आज फिर हम लोग सुबह सुबह जल्दी उठे हैं क्योंकि आज फिर से हम लोग ट्री प्लांटेशन के लिए जा रहे हैं। और एक्चुअली हम एक मंथ में टू टाइम्स क्यों जा रहे हैं, क्योंकि जो पिछली बार हम गए थे वो अगस्त के नाम की थी और आज हम सितंबर के नाम की ट्री प्लांटेशन करने जा रहे हैं। और आज तो हमारे साथ कोई छोटा बच्चा भी आया है, भाई ये छोटा सेवादार भी आया है, रोहनी ट्री लगाएगा तो इसको भी आज तो हम ले ही आए कि चल भाई लास्ट टाइम तुम रह गई थी तो अभी चलो आज। तो भाई अब ये हम लोग लाइन बना के मिट्टी एक दूसरे को पास कर रहे हैं क्योंकि जो ट्री लगाने हैं वो यहाँ से काफ़ी दूर हैं। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो जैसे डेरे में करते हैं, सिरसा डेरे में, कि जो भी सेवा होती है, जो भी काम होता है, वो वैसे यहाँ पे लाइन बना के और वो एक दूसरे को चीज़ें पास करते हैं जिससे काम जल्दी हो जाता है। तो हम लोग भी यहाँ पर ऐसे ही कर रहे हैं, लाइन बना के एक दूसरे को मिट्टी पास कर रहे हैं। और ये भाई अभी नाम चर्चा या जिसको सत्संग भी बोल सकते हैं वो चल रहा है। ये था ट्री प्लांटेशन के बाद सब लोग फिर अपना खाना वगैरह खा के लंगर भोजन करके उसके बाद फिर जो नाम चर्चा भी थी तो अभी वही सब हम लोग अटेंड कर रहे हैं। और ये सामने पतिदेव हमारे शब्द लगा रहे हैं, भजन लगा रहे हैं और काफ़ी संगत आई थी और बहुत अच्छा लगता है जब हम सब लोग ऐसे इकट्ठे होते हैं। बहुत आपस में प्रेम है सारी संगत में और काफ़ी अच्छा लगता है जब मिलते हैं सब हर महीने। हमारा हलवाई क्या बना रहे हो हलवाई जी? लस्सी। लस्सी मिक्स कर रहे हैं? मेरी पीछे पीछे गीला हो गया। हाँ नहीं, आप ही क्या बना रहे हो? लस्सी के लिए। हाँ ये हमारा हलवाई लस्सी बना रहा है और खुद भी पी रहा है। हलवाई जी खुद भी पी गए हैं बहुत सारी। चलो तो जी अभी हम जा रहे हैं लस्सी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और बनाना साथ में। और खाने का हमने आइडिया थोड़ा चेंज कर दिया है, दैट इज़ नॉट फिजिबल ऑप्शन, तो वो मंथ में एक बार कर लिया करेंगे आई थिंक, क्योंकि हम एक कंस्ट्रक्शन साइट पर गए थे, वहाँ पे 60 लोग थे और हम लोग 30 पीपल्स का खाना बना के लेके गए थे तो बहुत बुरा लगा, कुछ लोग रह गए हैं ना। अब हम ऐसे करेंगे 60 बनाना लेके जा रहे हैं और लस्सी लेके जा रहे हैं सो दैट सबको मिल जाए। हेलो नोनी, आर यू एक्साइटेड? दिवाली वाली फीलिंग आ रही है, लाइटें जल रही हैं, हैप्पी दिवाली हो रही है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आज है करवा चौथ और सबसे पहले आप सब लोगों को करवा चौथ की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और अभी रात हो गई और हम लोग चांद का वेट कर रहे हैं और आज मेरी एक फ्रेंड आई है जो जिसके साथ मेरा अच्छा टाइम पास हो गया। शाम से हम लोग गप्पे लड़ा रहे हैं तो पता नहीं चला इतना भूख प्यास का, हालांकि थोड़ी सी प्यास लगी है बट ठीक है, अभी तो चांद निकलने वाला है। और ये जो मेरी फ्रेंड है भाई, ये मेरे साथ स्कूल में थी और हम ऑलमोस्ट कितने साल के बाद मिले हम लोग? 15। मैं अभी इसको दिखाती हूँ। ये है भाई मेरी स्कूल फ्रेंड बबीता और हम लोग अभी 15 साल के बाद मिले हैं स्कूल के बाद, और मतलब ऐसे ही अचानक से मिल गए। और घर के इतने पास रहते थे हम लोग, लेकिन हमें पता ही नहीं था कि हम एक दूसरे के इतने पास रहते हैं। वो ऐसा कुछ संजोग बना कि हम लोग फाइनली मिल गए। बस भाई होगी इसकी तो भाई। चलो अब आपको देखेंगे, बाकी पूजा वगैरह करेंगे, हमने कर ली थी 4 बजे वैसे तो, एक बार में थोड़ा सा चाय वगैरह ले लिया था और अभी बस चांद का वेट कर रहे हैं, फिर चांद की पूजा करेंगे और फिर डिनर के लिए सोच रहे हैं कि बाहर ही जाएंगे, क्योंकि आज मेरी हिम्मत नहीं थी भाई कुछ भी बनाने की शाम को। तो अभी हम लोग सोच रहे हैं कि चांद निकल जाए तो हम लोग डिनर करने फिर साथ में बाहर चलेंगे। एंड हेयर इज माई मेहंदी जिसका कलर बहुत अच्छा है अब की बार, बहुत डार्क, और ये मैंने खुद ही लगाई है एक हाथ पे
और दूसरे पे तो बस ऐसे ही सिंपल। और पहली बार मतलब काफ़ी टाइम बाद ऐसा इतना अच्छा कलर आया, क्योंकि बाहर यहाँ दुबई में भी इतनी अच्छी मेहंदी नहीं मिलती जैसे इंडिया में मिलती है, तो अब की बार अच्छी मेहंदी मिल गई लकीली और इसका बहुत अच्छा कलर आया है। आई एम जस्ट लविंग इट। ये यार चांद का कहीं कुछ अता पता नहीं है, चांद का कुछ अता पता नहीं है। अभी भूख प्यास सब लग रही है, कब आएगा चांद? बहुत प्यास भूख सब लग गई अभी तो भाई, अब तो वेट नहीं हो रहा, जल्दी से आ जाए। चलाओ चलाओ बस बस बस, ये सब कुछ तो भाई अब हम लोग आए हैं खाना खाने बीकानेर वाले पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत टेस्टी यमी और अच्छी क्वालिटी का खाना होता है इनका, और यहाँ पे मिठाइयों की तो भरमार है। और अगर आप आसपास देखेंगे तो सभी करवा चौथ वाले जोड़े आए हुए हैं अपना करवा चौथ मना के यहाँ पे खाना खाने। और ये भाई हमारे पति देव इतनी शिद्दत से खा रहे हैं जैसे इन्होंने पूरा दिन व्रत रखा है, मतलब इनका तीसरा चौथा टाइम है जो ये खा रहे हैं, बट ऐसे खा रहे हैं जैसे पूरा दिन से खाना नहीं मिला। और ये आ गया भाई मेरा फेवरेट खाना छोले भटूरे, और बीकानेर वाले पे बहुत ही हमें छोले भटूरे बनते हैं, तो अगर आप दुबई में हैं तो यहाँ पे ज़रूर ट्राई करिएगा। और एक ही हमने मंगाई है वेज थाली, जिसमें भी दो तीन सब्जी दाल चावल कड़ी सारा कुछ है, बहुत यम्मी थी ये भी। तो चलिए फ्रेंड ये था हमारा करवा चौथ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।